नमस्कार दोस्तों, कानपुर की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लौकी की बहुत ही नई तरीके की रेसिपी बताना बता रही हूँ। आप क्या बड़े ये बच्चे भी मांग मांग के इस सब्जी को खाते हैं, इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने एक छोटी साइज की एक लौकी लेके रखी हुई है। उसकी तैयारी मैंने ये करी, अदरक का टुकड़ा एक छोटा, दो मिर्चे, दो टमाटर, एक प्याज और ये मैंने थोड़ी सी 6-7 ये लहसुन की कलियाँ और 2 टेबल स्पून मैंने ये बेसन रखा हुआ है। इसके लिए बाकी मसाले, सबसे पहले हम इस लौकी को छील लेंगे। थोड़ा मुलायम ही लौकी लीजिए, फ्रेश लौकी जल्दी और बहुत अच्छे से बनती है। इसको आप पहले ये लौकी मैंने देखिए छील दी है। अब इसको हम बीच से ऐसे काट के इसके बीच से गोल गोल ऐसे, ज़्यादा पतले नहीं तो ज़्यादा मोटे भी नहीं, इस तरीके से सारे पीस काट के ये मैंने ऐसे पीस काट कर रख दिए। सबसे पहले इसमें हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालिए। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली, मैंने ये थोड़ा लाल मिर्चा इसमें डाला हुआ, सूखी धनिया पिसी हुई, अब इसमें हम लास्ट में इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के ये थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया है, इसको आप अच्छे से इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पड़ेगा और इसको हम सारा इसमें मिला देंगे। मिला के इसको 15-20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ के रख देंगे, जिससे ये सारा इसका मसाला देखिए ये हमने मिला के इसको रख दिया है। ये 15-20 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक इसकी हम इसको मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये मेरा 20 मिनट हो गया है, इसमें अच्छे से नमक और मसाला हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम डीप फ्राई ना करके इसको स्लो फ्राई करेंगे। बस इसमें मैंने थोड़ा सा ये ऑयल 2 स्पून में ये मेरा हो जाएगा और इस पर हमने ये रखना हम ऐसे रख देंगे। लौकी बनाइए, आपको सबको बहुत पसंद आएगी। लौकी तो ऐसे भी अपने में बहुत हेल्दी होती है। ये धीमे धीमे आँच में पकाइए, बहुत फास्ट आँच में नहीं पकाइए। देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप इसी तरह से लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे रख के थोड़ा सा इसको करना पड़ा, क्योंकि लौकी थोड़ा पकने में बकती होती है।
जब तक देखिए ये हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम इसमें इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, क्योंकि इसको भी पकने में टाइम लगता है। ज़्यादा गलना भी नहीं चाहिए और कड़ा भी नहीं देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें ग्रेवी के लिए तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने एक बड़ा चम्मच इसमें हमने ऑयल डाला, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका, इसमें हम सबसे पहले हींग डालेंगे। इन्होंने जीरा डाला, और इसमें मैंने ये लहसुन अदरक और प्याज का मैंने इधर हमारा ये इसको हम बार बार पलटते जाएंगे मशीन का इसको इसी तरीके से। थोड़ा हल्दी पाउडर डालो, इसको भूनने से जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देगा तब तक इसको हम पकाएंगे। ये हमारे देखिए ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है, ज़्यादा गला देंगे तो फिर नहीं अच्छा होगा, इसको हम निकाल लेंगे। अब ये मैंने दूसरे वाले इसमें इस तरीके से डाल दिया, इसको भी उसी तरीके से। ये सब्जी चावल आलू और दाल के साथ आप खाइए, पराठे पूरी चावल बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बस ग्रेवी ही बहुत धीमे आँच से पकाइए, सारा स्वाद जो इसकी ग्रेवी ही बनाने में है। जितने आप इसको धीमे आँच से पकाएंगे, ये जब तक ऑयल नहीं छोड़े आप इसको इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप भूनते रहेंगे। फिर ये ऑयल इसने छोड़ दिया, इसमें ये है टमाटर के ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम और इसको हम फिर आप उसी तरीके से इसमें पकाने में हमको 10 मिनट लगा, और ये भी उसी तरीके में धीमी आँच से इसको हम पकाएंगे। ये देखिए हमारा हो चुका है, अब ये भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको भी हम गैस को मैंने ऑफ कर दिया और ये मैंने निकाल लिए। ये हमारा 20 मिनट में ये पूरा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम एक चम्मच ये हम सूखी धनिया डालेंगे, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाली, और ये मैंने ये मेरा घर का पिसा हुआ गर्म मसाला है, बहुत तेज है तो आप ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ये मेरा मसाला एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने जो इसमें मैंने लगा के रखा हुआ था उसको तैयार करने के लिए लौकी को, ये पानी उसका मैंने वेस्ट नहीं किया, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हमको कितनी कम ज़्यादा करनी उसी हिसाब से आप इसको अब इसको हम 5 मिनट के लिए खोलने के लिए रख देते हैं। सबसे लास्ट में हम
नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिए क्योंकि उसमें पड़ा हुआ है। आप स्वाद के अनुसार इसमें कमी डालिए क्योंकि उसमें अभी यह पड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा रहे हैं। अब इसको हम खोल आने तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये लौकी डाल देंगे। ये आप खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। बाउल में सर्व कर लिया है। इसमें गार्निश करने के लिए हमने इसमें हरी धनिया पर से डाल दी है। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर बनाइए, आप खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।